हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम इज शिवांश भसीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज हम लोग ऑप्शंस डाटा के अंदर जो देखने वाले हैं ना, वो पूरा बदल के रख देगा एंड उसके लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो ऑप्शन डाटा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। FII डाटा के ऊपर जितना भी हम लोग अपना सप्रेस्ड कर रहे थे ना, जितना जोर दे रहे थे, उस पर बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, वो भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। प्लस 5 स्टॉक्स में बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स वाले लेकर आया हूँ, जिसपे आप लोग अपनी स्विंग ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को एंड तक ईयरफोन्स लगा के पूरा देखिएगा। सो इस वीडियो को बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के अंदर। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड यहां पे सबसे पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑप्शंस डाटा को स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको देखना चाहिए जरूर। सो पहला स्टॉक का नाम है आशियाना हाउसिंग फाइनेंस। आशियाना हाउसिंग लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों को जितने भी मैं 5 स्टॉक्स के नाम बताऊंगा, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे उन 5 स्टॉक्स के नाम दिख जाएंगे, उसके थ्रू आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आशियाना हाउसिंग लिमिटेड। स्टॉक पे आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एक अपमूव आई थी, एक बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट पर अगर आप चेक करेंगे, वॉल्यूम्स कितने तेजी से इंक्रीज करें हैं, ये देख रहे हैं वॉल्यूम्स कितने बढ़िया इंक्रीज करें हैं एंड ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है। दूसरी बात आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई था, इस प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसने आज के ट्रेडिंग सेशन पे दिया है। सो आने वाले टाइम पे एक अच्छी मोमेंटम इस पे आ सकती है। अब दो फैक्टर्स क्या काफ़ी हैं एक स्टॉक को बाय करने के लिए? डेफिनेटली काफ़ी है, बट तीसरा अगर आ जाए फैक्टर तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। सो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि 2018 से एक ब्रेकडाउन आया था, 2018 के ब्रेकडाउन के बाद इसने आप देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक ब्रेकआउट दिया है। इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 2-3 साल के ब्रेकआउट का देना अच्छी बात होती है। एक फोर्थ पॉइंट और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनवाया, एक डिबियरिश डाउन ट्रेंड था, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो 4 पॉइंट बता रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी बाइंग आ सकती है। अब अगर हमें बाइंग करनी है तो किस लेवल पे करें, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए? सो मेरे हिसाब से अभी करंट प्राइस है इसका 159 रुपीज का, आप टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। प्रीवियस स्विंग हाई आता है अराउंड 190 रुपीज के आसपास। सो आप लोग 160 पे बाय करें, 190 रुपीज का टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, तो स्टॉप लॉस आपको पुट करना है 143 रुपीज का। 143 रुपीज का स्टॉप लॉस क्यों पुट करना है, रीजन मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। सो ये रेंज है, इस रेंज के थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस पुट करना है। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एक बार नीचे आए, इस रेंज को, एक फ्लैग पैटर्न को रीटेस्ट करे और इसका दोबारा एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। सो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, इसको हमें देख सकते हैं, बट इसकी वजह से अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस को नीचे रख रहे हैं। सो स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 15 रुपये का होगा एंड टारगेट आपके 30 रुपीज़ के होंगे। सो रिटर्न रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इट्स वेरी गुड। बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक के। सेकेंड स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स पे आप देख सकते हैं कि इस पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर बहुत टाइम से स्टॉक काम कर रहा था। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, रेंज का जो कंसोलिडेशन है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं मर्ज हो रहा है। ठीक है, दोनों आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेंड लाइंस को देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रही है एंड एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जा चुका है, एक बाइंग आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स इसका प्रीवियस स्विंग हाई हम लोग रख के चल सकते हैं, दैट इज अराउंड दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल का आप हम लोग एक टारगेट एज्यूम करके चल सकते हैं, जो कि आप लोगों को 8-10 रुपीज है। दिस इज एन इंटरडे स्टॉक, आप लोगों को कल के कल इसके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको पुट करना है, इसका पुट करना है अराउंड 231 रुपीज़ का। 231 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, 236 पे बाइंग करनी है एंड आपका टारगेट 243-245 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। थर्ड स्टॉक का नाम है कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स पर्टिकुलर स्टॉक आज भी हम लोगों ने बाय कर रखा था, स्टॉक में बहुत अच्छी मोमेंटम आई है एक्चुअल में, अगर आप यहां पर देख पाए।
ठीक है, इस पे भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद वॉल्यूम्स देख रहे हैं किस बहुत अच्छे तरीके से राइज कर रहे हैं, एंड हमारी ऑलमोस्ट बाइंग थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 534 रुपीज की। हम लोगों ने 534 रुपीज पे एज अ BTS की ट्रेड लिया था कि कल के कल टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, बट आज के आज हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए। बट अभी भी वॉल्यूम्स देख के और कैंडल के मूवमेंट को देखकर मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर एक बाइंग आ सकती है। सो इसे आप लोग कल भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक का करंट लेवल है 552 का। 553 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है यू कैन गो फॉर अ बाय। 565 और 570 तक के टारगेट्स मुझे लगता है ये स्टॉक दिखा सकता है, वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा और ₹5 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रख सकते हैं। एक दूसरी चीज इसके अंदर आप और देख सकते हैं, हो सकता है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बाइंग आई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बाइंग बहुत ज्यादा तेज आई है, तो कल एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर सकता है या फिर नीचे आके एक बाइंग आ सकती है। सो अगर नीचे भी आना स्टार्ट करता है तो भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एज अ 2 डेज होल्डिंग में इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको ₹600 के लेवल्स भी विद इन अ कपल ऑफ डेज ये स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक का नाम है कैनफिनोम्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है AB कैपिटल। AB कैपिटल भी स्टॉक अच्छा है और इसके अलावा एक और हम लोगों ने आदित्य बिरला का स्टॉक लिया है जिसपे हम लोगों ने बाइंग कर रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एक शार्प बुलिश अप मूव आई थी, उसके बाद ये भी कंसोलिडेट कर रहा था, इसने एक पेनेंट पैटर्न फॉर्म करा है और इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। जब यहां पर हम लोगों ने पास्ट में यहां पर वॉल्यूम्स देखे थे, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। सो ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है। अभी करंट प्राइस है स्टॉक का 123.60 का, आपको 124 के ऊपर बाय करना है जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। टारगेट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 128 to 130 रुपीज के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है विद इन अ 2 डेज होल्डिंग पीरियड के अंदर। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 119 रुपीज का एंड आपको अच्छे रिजल्ट ये स्टॉक दिखा सकता है। लास्ट स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट स्टॉक है ABFRL, दैट इज आदित्य बिरला फैशन ग्रुप। सो यहां पर आप देख सकते हैं इसने भी एक अच्छी बाइंग करी हुई है। आप देख रहे हैं एक शार्प अप मूव, एक कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं हाईएस्ट वॉल्यूम्स हैं विद इन अ पास्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर। सो इस पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस पे डेफिनेटली एक बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये देख रहे हैं ये कप है एंड ये इसका हैंडल है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो एक अच्छी बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप देख रहे हैं यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिया था और इसी लेवल पर एक ब्रेकडाउन दिया था मार्च 2020 पे, एक शार्प ब्रेकडाउन दिया था और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं स्टॉक आधा हो गया था। अब इस लेवल का जब एक शार्प वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है तो मूवमेंट आ सकती है, इसको आप एक स्विंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज 280 रुपीज। 280 रुपीज के साथ स्टॉप लॉस को होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200 रुपीज। 200 का स्टॉप लॉस एंड 280 रुपीज का टारगेट है। सो ऑलमोस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड 60 रुपीज का टारगेट। सो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत ईजिली मिल रहा होगा। सो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स और आप इन 5 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके मूवमेंट चेक कर सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। सो निफ्टी अगर आप लोग देखते हैं, सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल अगर निफ्टी की स्टडी करी हो तो निफ्टी में हम लोगों ने बोला था ये लेवल है, इस लेवल पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना जब तक ये वाला लेवल ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे। अब 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट दे चुका है, आप देख रहे हैं ये 15 मिनट की कैंडल का इसने 3 बजे ब्रेकआउट दिया, तो यहां पर हम लोग अब बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, सो कल करना क्या है, अब अगर कल ये वाली जो कैंडल है, ये जो आप लोगों को बुलिश कैंडल क्लोजिंग वाली दिख रही है और एक कैंडल इसने इनसाइड कैंडल बनाई है, सो जैसे ही इन दोनों के हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है निफ्टी, मतलब 15,820-15,830 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, आप निफ्टी को बाय बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 15,880-15,900 रुपीज़ के टारगेट्स के साथ हम निफ्टी को बाय बना के चल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो भी क्रिएट माना जा रहा है, तो एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या बात करा था, इसके नीचे जाएगा हमें तभी शॉर्ट करना है, इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं करना, अपसाइड में हमें बाय करना है। एक अच्छी मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर दिखी है, डेफिनेटली एक बाइंग प्रोसीजर हम लोग करके चल सकते हैं। अब इसको और अच्छे से डेवलप करने के लिए कि मतलब बाइंग करनी ही चाहिए, उसके लिए हम लोग ऑप्शंस को स्टडी करेंगे प्लस FIR के डाटा को। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी को चेक करते हैं एक बार, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा।
बैंक निफ्टी पे भी हम लोगों ने आप लोगों को एक रेंज बताई थी, यहाँ पर क्लोजिंग थी, हमने बोला था ये अपर रेड लाइन है जो कि 35,500 रुपीज़ का है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, यू कैन गो फॉर अ बाय। अगर आप लोग बाय करते तो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट्स ईजिली आज के ट्रेडिंग सेशन पे दे देता। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि 35,800 का है, अगर कल ये ब्रेकआउट देता है, अगर कल पॉसिबली अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है 35,800 का, तो आप लोग क्लियरली एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर कल ये डिप देता है और इस नेक लाइन पे आके दोबारा घूमता है, ठीक है, क्योंकि हमारी इस लेवल पे एक बाइंग थी, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे बाइंग है, सो अगर रीटेस्ट करके रिवर्स करता है तो यहाँ पर हमारी एक और अच्छी बाइंग बन सकती है। सो ये अदर देन दैट अगर आप लोग 35,500 के आसपास बाय करें, उसके अलावा आप लोग 35,800 के ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे। सेलिंग साइड अभी नहीं है, इतनी अच्छी मूवमेंट आई है तो इस मूवमेंट को हम लोग सेल पे नहीं वेस्ट करेंगे। अब ऑप्शंस डाटा कैसे साथ दे रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का बात करते हैं ऑप्शन डाटा पे जाके। सो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन डाटा पे आ चुके हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं FIR डाटा की, क्योंकि FIR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है दो तीन दिन के ट्रेडिंग सेशन पे। हम लोगों ने एक चीज़ देखी, यहाँ पर कॉल और पुट दिख रहा है, कॉल उन लोगों ने लॉन्ग करी हुई, मतलब वो लोग कॉल के साइड में बुलिश हैं 1.1 लाख क्वांटिटी पे, और पुट के साइड में वो लोग बियरिश हैं 1.51 लाख क्वांटिटी पे। सो अगर हम मान के चलें तो कॉल और पुट पे वो लोग रेंज में है ना, उन्होंने हैवी बुलिश मूवमेंट बना रखी है ना हैवी बियरिश मूवमेंट बना रखी है। सो कॉल और पुट को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, इसको साथ देने के लिए अगर फ्यूचर्स के अंदर उन लोगों ने हैवी शॉर्ट पोजिशन बना रखी है, अदरवाइज मार्केट नीचे है, अगर उन लोगों ने लॉन्ग पोजिशन बना रखी है तो मार्केट कल ऊपर है। तो नीचे स्क्रोल करें, डाटा देखेंगे, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर उन लोगों ने बाय कर रखा है अराउंड FII ने 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ का बाय कर रखा है, एंड स्टॉक्स पे अगर आप देखेंगे FII ने 100 करोड़ एंड DII ने 344 करोड़ बाय कर रखा है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, खुद इंडेक्स के ऊपर बाइंग है, ऑप्शंस के अंदर कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं है, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग कर रखा है हेविली, सो मार्केट अपसाइड दिखा सकती है। सो आई थिंक आप लोगों को कल बाय साइड में रहना चाहिए, अगर डिप आती है तो मार्केट में रिकवरी आ सकती है, अदर देन दैट मार्केट पे हम लोगों को बाय ऑन डिप करना है, अदरवाइज ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग करना है। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं, एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है और बहुत ज़्यादा चेंज है। आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, सिर्फ पुट चेंज, मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देता हूँ, ओके, आप पुट चेंज देखिए, पुट चेंज आपको दिखा रहा है 9.8 मिलियन और कॉल चेंज दिखा रहा है 8.9 मिलियन और नेगेटिव पे है। पुट चेंज का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस, 10 मिलियन का स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट का बेस क्रिएट हो रखा है, इसके अलावा 10 मिलियन क्लोजर टू 10 मिलियन कॉल चेंज खत्म हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं जिन लोगों ने भी कॉल राइटिंग करी थी, एक बियरिश मोमेंटम बना के रखा था, वो सब लोग एग्जिट कर गए हैं, सब के सब एग्जिट कर गए हैं। अब कॉल जिन लोगों ने सेल करी हो वो एग्जिट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली वो लोग कॉल को बाय करेंगे एग्जिट करने के लिए। हैवी कॉल पोजिशंस मार्केट के अंदर एंटर हुई है शॉर्ट कवरिंग के चक्कर पे, कल मार्केट ऊपर खुल सकती है या ऊपर जा सकती है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग डेफिनेटली चेक करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं ना नेकलाइन के नीचे आपको रेड कैंडल्स दिख रही है, मतलब सारी की सारी बियरिश पोजिशन एग्जिट हुई है और आपको बुलिश पोजीशन एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है 15,800, 750 और 700 पे। सो अगर 700 रुपये 750 के आसपास भी मार्केट आती है तो बाय करना है, और हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं 15,950 टू 16,000 रुपीज़ का लेवल, जो कि निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के थ्रू दिखा रहा है। बैंक निफ्टी को चेक करते हैं और इसके बाद एक डिसीजन लेंगे कि निफ्टी को बाय करना है या बैंक निफ्टी को। सो आप बैंक निफ्टी को देखिए, माइन पुट है 5 मिलियन का, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो रखा है, और कॉल चेंज नेगेटिव माइनस 3.6 मिलियन है, आपको पता लग गया इसका मतलब क्या है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको बार के ऊपर एक नेकलाइन के ऊपर कोई भी आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, आई डोंट थिंक सो कोई भी नेकलाइन के ऊपर रेड कैंडल दिख नहीं रही होगी, सारी नेकलाइन के नीचे है, मतलब जितनी भी शॉर्ट पोजीशंस थी सब एग्जिट हुई हैं और वहां पर उन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस के अंदर एंटर करे हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक तो बहुत बढ़िया बेस क्रिएट हो रखा है 35,500-600 के आसपास, सो वो नेकलाइन वो लेवल ब्रेक ही नहीं होना। अगर कल आपको 35,500 मिल जाता है सो तुरंत लॉन्ग कर सकते हैं उसी का कॉल ऑप्शन उठा के, अदरवाइज अगर ब्रेकआउट आता है तो भी आप लोग बाय कर सकते हैं, कल बाय का दिन है, सेल का दिन बिल्कुल भी नहीं है।
ये सारी पोजीशंस हम लोगों को ये इंडिकेट कर रही है। सो आई होप आप लोगों को जो भी स्टॉक्स दिए गए हो आप उस पर पैसा कमाए, इंडेक्स के अंदर आप लोग कुछ प्रॉफिट्स अर्न करें। सो अगर आप लोग करते हैं सो प्लीज़ डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन जब आप लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। सो गाइस इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। लेट्स एम फॉर 100K सब्सक्राइबर्स और विद इन दिस पर्टिकुलर मंथ, और उसके बाद हम लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।